अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ लुकमान सर, आपकी खिदमत में मोर देन टाइप ओजू यानी ज़्यादा किस्म के ओजू का तरसीम लेकर आया हूँ। अजीज तुलबा, ये जो मिसाल है 3 मास के लिए इम्तहान में पूछी जा सकती है, तो इसको से कम से ज़्यादा में से कोई एक मिसाल आपको इम्तहान में पूछी जा सकती है। ये जो मिसाल है ज़्यादा किस्म के ओजू यानी मोर देन टाइप ओजू का हम लोग यहाँ पर मुताला करेंगे। अजीज तुलबा, ध्यान रखिए, वही उसी तरह से मिसाल को मैं लिया हूँ, यहाँ पर तरसीम हम लोग किस तरह बनाएंगे इसको ध्यान लगाना है। अजीज तुलबा, सवाल में दिया जाता है रिजिल में इन ज्यादा किस्म के ओजू यानी मोर देन टाइप ओजू के ग्राफ बनाएंगे, फिर और भी एक जुमला इजाफा किया जा सकता है कभी कभार, तो उसका ग्राफ के जरिए वस्तानिया भी मालूम कीजिए। तो तमाम चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ सीआई कॉलम दिया जाता है और तर्जु देने फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तर्दुद में 200 से 220, 220 से 240, 240 से 260, 260 से 280, 280 से 300, 300 से 320 इस तरह दिया गया। तर्दुद में 7, 3, 6, 8, 2, 4 दिया गया। अब इस तुलबा, यहां हमें करना क्या है, वह सिंपल है। अब एक्स मेहवर पर कौन से नुकात को इस्तेमाल करेंगे, वाई मेहवर पर कौन से नुकात को इस्तेमाल करना, ध्यान लगाकर सुनिए। अब इस तुलबा, याद रखिए, मैं से कम में हम लोग अपर लिमिट को इस्तेमाल किया जाता, से ज्यादा मैंने मतलब ज्यादा किस्म के ओजू में हम लोअर लिमिट इस्तेमाल करेंगे, निचली हद को इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए, अब यहां जो है 200 से 220 है, ये अपर लिमिट है, इसको ऊपरी हद कहा जाता है, इसको निचली हद कहा जाता है, यह हम उसको 200 को इस्तेमाल करना। तो यहां 200 से ज्यादा, फिर ये 220 से ज्यादा, याद रखिए 220 से ज्यादा, फिर ये 240 से ज्यादा, 260 से ज्यादा, 280 से ज्यादा, फिर ये 300 से ज्यादा, राइट। अब इस तरह हमको तैयार करना है। अब तैयार करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मजमू तर्दुद, ये जो है नुकात है एक्स महवर के नुकात है, वाई महवर पर नुकात कौन से आते हैं, यहां पर मजमू तर्दुद इस्तेमाल किया जाएगा। यहां जो फ्रीक्वेंसी हमें जमा करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जमा करना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्यों, आपको ग्राफ में याद रखिए, इस तरह से याद रखिए, से ज्यादा में जो है ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो से कम में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए यहां पर हम उसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तरफ जमा करेंगे, ये 4, ओके 4 + 2 = 6 होगा, ये 6 + 8 = 14 होगा, ओके ये 14 + 6 = 20 होगा, 20 + 3 = 23 हुआ, 23 + 7 = ये कितना हुआ, 23 + 7 = 30 होगा, राइट। वही मिसाल को लिया, तो हम लोग से ज्यादा में ज्यादा किस्म के ओजू में जो नीचे से ऊपर तरफ जमा किया जा रहा है, और जो है कम किस्म में ओजू में क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जमा करना है। अब यहां क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मैं पॉइंट को चेंज करता हूं, ये 200 है, मतलब ये 200, 220, 240, इसको 260, ये 280, उसके बाद ये 300, 320, इस तरफ हम लोग नुकात लेंगे। फिर इससे पहले भी एक्स स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है, स्केल क्या है, एक्स महवर पर 1 cm = 20 इकाइयां है, तो वाई महवर पर 1 cm = 5 इकाइयां हैं, तो इस स्केल को हम लिखेंगे, स्केल को जो है लगभग 5 मास का, सॉरी स्केल को जो है वो लगभग आधा मास है, तो 0.5 मास याद रखिए, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको तरसीम किस तरह निकालेंगे, देखिए, अब मैं 200 से ज्यादा 7, ये 200 है, 207 मतलब ये होगा, अब हमें यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 200 से मतलब हम 30 को इस्तेमाल करेंगे, ये वाई मेंबर पर 200 से ज्यादा 200 से 30, ये पॉइंट होगा, याद रखिए, जिस तुलबा से ज्यादा में ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, राइट। फिर उसके बाद जो 220 से 23, ये 25 है, तो 25 24 23, फिर हम थोड़ा सा कम, 25 से थोड़ा सा नीचे, राइट। फिर उसके बाद 240 से 20 एग्जैक्टली यहां पर आ जाता है, राइट, ओके। फिर 260 से 14, ये जो 15 है, 14 एक हम लोग खत कम लेंगे, राइट। फिर
फिर उसके बाद 280 से 6, 286 मतलब ये होगा 280 से 6 हमने, ये 5 होगा, अब ये 280 का 6 मतलब ये 5 ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेंगे ये होगा राइट। फिर उसके बाद मुझे 300 से 4 5 से एक छोटा कम। अजीज तुलबा ये असल में तरसीम आपका ज्यादा किस्म का जो तैयार हुआ है, अब क्या करना है इसको जोड़ना है उसको आपको, हम किस तरह जोड़ेंगे ध्यान से देखिए, इसको इस तरह हम लोग जोड़ेंगे, हल्के हाथ से जोड़िए, थोड़ा लाइन कर्व में आना चाहिए, कॉस नुमा आना चाहिए राइट। लेकिन इसको एक काम कर सकते हैं आप लोग, स्केल से थोड़ा जोड़कर फिर उसके ऊपर हाथ भी फैलाया जा सकता है, तो ये जो है ज्यादा किस्म का ओजू जो है आपका तैयार हो चुका है, बहुत ही आसान है, थोड़ा अगर मश्क करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको जो है 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब यह नुकात को हम देख सकते हैं, ये 200 पॉइंट है, 200 से 30.30 राइट, तमाम नुकात को आप इस तरह लिखिए। तो अजीज तुलबा यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए आपको क्या करना है, दो चीजें ख्याल रखना है, याद रखिए कम किस्म में अपर लिमिट को इस्तेमाल किया जाएगा, पहला पॉइंट याद रखिए, फिर जो है मजबूत तद्दूद में ऊपर से नीचे की तरफ जमा किया जा रहा है, तीसरा जो पॉइंट है ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता, ये कम किस्म के ओजू में, ज्यादा किस्म के ओजू में जो लोअर लिमिट इस्तेमाल किया जाता है, मजबूत तद्दूद को नीचे से ऊपर की तरफ जमा किया जाता है, तरसीम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। 3 बातों ख्याल रखिए, आप कभी किसी भी से कम से ज्यादा में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, मैं और एक मरतबा रिपीट कर रहा हूं, कम किस्म के ओजू में जो है अपर लिमिट यानी अपर लिमिट को इस्तेमाल किया जाएगा और मजबूत तद्दूद को ऊपर से नीचे की तरफ जमा किया जाएगा, ग्राफ जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, याद रखिए। से ज्यादा में जो है लोअर लिमिट को इस्तेमाल किया जाएगा, से ज्यादा में लोअर लिमिट मतलब के 200, फिर उसके बाद जो है मजबूत तद्दूद नीचे से ऊपर की तरफ जमा किया जाएगा, तरसीम जो आता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे, से ज्यादा में से ज्यादा में या कम किस्म के उजू में या ज्यादा किस्म के उजू में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो सकता। रिश्तुबा इस तरह मश्क कीजिए, आपको बड़ी आसानी के साथ 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, तो मश्क करेंगे तो आपको मिटा में 3 मार्क्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर तरसीम का जो चैप्टर जो है वजू का ख़त्म हो जाता है, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।